दोस्तों आज का वीडियो गूगल एडवर्ड का सेकेंड पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गूगल एडवर्ड में आप अपना पेमेंट कैसे ऐड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अगर गूगल एडवर्ड में पेमेंट नहीं ऐड कर पा रहे हो तो आप कैसे ऐड कर सकते हो, ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। एंड यहाँ से पेमेंट ऐड करने के बाद अपने गूगल एडवर्ड में ऐड कैसे लगाओगे एंड वो रन कैसे करेगा एंड आपको कितना रुपया लगेगा पर ऐड पे, ये सब कुछ समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप अपने ट्यूटोरियल में। सो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ट्यूटोरियल जो मिल रहे हैं वो आपको मिल जाए टाइम टू टाइम एंड आप सीख पाए। सो आज हम लोग सीखेंगे कि इसमें पेमेंट कैसे ऐड करते हैं गूगल एडवर्ड अकाउंट पे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों, हम आ चुके हैं एक अनदर वीडियो में एंड ये हमारा सेकेंड वीडियो है गूगल एडवर्ड का। पहला वीडियो हमने सीखा था कि बिना कोई कैंपेन क्रिएट किए हम अपना गूगल एडवर्ड अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं या बिना कोई पेमेंट ऐड किए। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट करके रख चुके हैं गूगल पे एंड ये एक क्रोम ब्राउजर में ओपन है। तो यहाँ पे आप दोस्तों गूगल एडवर्ड, अब हमको यहाँ पे बहुत सारे टूल मिल जाता है, जैसे सर्च करने को मिल जाएगा, रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हो, टूल्स देख सकते हो, टूल्स एंड सेटिंग्स रिफ्रेश कर सकते हो एंड हेल्प ले सकते हो, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से एक नया कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम यहाँ पे अपना पेमेंट ऐड करने वाले हैं। जी दोस्तों, टूल्स एंड सिस्टम पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे समरी पे भी क्लिक कर सकते हो या दोस्तों आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स एंड प्रमोशन किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ समरी पे ताकि आपको इजीली समझा पाऊँ। जैसे मैंने समरी पे क्लिक करा यहाँ पे पेमेंट स्टेप मेरा ओपन होने लगा। तो लोड होने देते हैं, पेमेंट स्टेप हमारा ओपन हो रहा है एंड यहाँ पे बोल रहा है कि अब अपना पेमेंट को ऐड करो, तब तो मैं दिखाऊंगा समरी। तो चलिए पेमेंट में क्या ऐड करना है, सबसे पहले आपका कंट्री सिलेक्ट हो जाना चाहिए, जो आपका रुपीज है जैसे इंडिया INR में आ जाएगा आपका इंडिया। ओके, एंड यहाँ पे अकाउंट टाइप में आप यहाँ पे इंडिविजुअल रख लेना। ओके, सो यहाँ पे आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल रख लेना। अब दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से आपको अपना पेमेंट करना है वो आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से। मान लो आपको नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, मनी ट्रांसफर के थ्रू करना है, ऐड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के थ्रू करना है या वैलेट के थ्रू करना है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर आप वैलेट सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको पेटीएम के थ्रू ही ये पेमेंट करने को मिलेगा वैलेट में। तो अगर आपके पास पेटीएम है तभी आप इस वैलेट का यूज़ कर सकते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। यहाँ पे आपको कार्ड ऐड करना है, कुछ भी नंबर जैसे लिखोगे आप यहाँ पे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मंथ ईयर एंड CVI नंबर, CVC नंबर एंड इसके अलावा आपका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आप अमाउंट भरोगे एंड आई एग्री करोगे, सबमिट करोगे, इतना करने के बाद आप इस पेमेंट को एक्सेप्ट कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करूँगा, तो फटाफट मैं कार्ड भर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों फाइनली हमने डिटेल फिल कर लिए यहाँ पे, अपना कार्ड नंबर एंड जो भी डिटेल्स हैं, थोड़ा एड्रेस वगैरह, सिंपल एड्रेस आप फिल कर सकते हो यहाँ पे एंड अपना स्टेट, पिन कोड, सिटी सब कुछ पे करने के बाद यहाँ पे अब आपको अमाउंट डालने हैं। अमाउंट में मैं यहाँ पे 500 लिखता हूँ ताकि मैं 500 यहाँ पे ऐड कर सकूँ। तो अमाउंट मस्ट बी एट लिस्ट 500 यहाँ पे बोल रहा है, तो कम से कम यहाँ पे 500 डालना ही आपको। तो मैंने यहाँ पे 500 ऐड कर दिए। आई एग्री पे क्लिक करते हैं यहाँ पे टर्म कंडीशन पे एंड आपको सबमिट पे क्लिक करना है। बस इतना सा प्रोसेस करना है दोस्तों। करने के बाद सेटिंग अप बिलिंग, सो आपका बिल ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट किया जा रहा है। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे एक OTP डालना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना OTP। मैंने OTP डाला एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। बस दोस्तों ये सिंपल सी प्रोसेस थी। लास्ट पेमेंट 521 दिसंबर, यहाँ पे मैनुअल पेमेंट किया गया है जो मेरे ये कार्ड के थ्रू किया गया है। दोस्तों मेरी एक पेमेंट ऐड हो चुकी है यहाँ पे, अब ये अपडेट होगा, हमारा आ चुका है पैसे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कैंपेन लगा सकते हैं। ओके, अवेलेबल फंड यहाँ पे 0 दिखा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे धीरे धीरे अपडेट होगा। फिलहाल हमारा यहाँ पे पेमेंट आ चुका है, 500 का हमने ऐड कर लिया है। तो ये सिंपल तरीका था जिससे आप अपने पेमेंट को ऐड कर सकते हो एंड अगर आपको कैंपेन रन करना है अब, तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कैंपेन कैसे रन करेंगे, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको अच्छे से सब कुछ करने बताना चाहता हूँ। ओके, सो आप खुद ही सब कुछ कर सकते हो। तो पेमेंट ऐड करने आपने सीख लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैंपेन को कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
सो वेल दोस्तों, आपने अपने गूगल एडवर्ड पे पेमेंट ऐड करना सीख लिया होगा एंड आप पेमेंट ऐड कर पा रहे होंगे। सो फाइनली हमने ऐड करके आपको दिखाया स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई इशू ना हो। इसके बाद भी अगर कोई इशू होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। कोई इशू आती है तो मुझसे उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। एंड अगर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं मिल पाती है इन केस बहुत ज़्यादा कमेंट होने की वजह से, तो हो सकता है कि आपको इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई दे ही दूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें। सो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। आई होप कि आपने पेमेंट ऐड कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैंपेन कैसे चलाते हैं एंड वो रन कैसे करता है एंड उससे क्या बेनिफिट होता है आपको। सो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली बार। तो ख्याल रखें अपना एंड इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।